एवं हमारे समाज में एक बात जागृत हुई कि हर एक कन्याओं का सम्मान का अधिकार होता है, इसलिए ये एक आयोजन करा गया। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। आज का ये प्रोग्राम एक नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम भी है और दिव्याश्वन फाउंडेशन के तत्वाधान में 2100 कन्याओं का और 254 भैरवों का पूजन कार्यक्रम माहेश्वरी सेवा सदन में रखा गया, जिसमें सभी समाजों के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सभी स्कूल वालों ने, यहाँ के शहर के और आसपास के गांवों के भी स्कूल वालों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी कन्याओं को यहाँ भेजा। और 2100 कन्याओं का उद्देश्य था, बट ये लक्ष्य हमारा 2600 कन्याओं तक पहुंच गया। इसके लिए मैं सभी स्कूल संचालकों को, कमल सर को और दिव्याश्मन फाउंडेशन और बाकी के जितने भी संस्थान हैं, जैसे विप्रो फाउंडेशन है और बाकी के जितने समाज हैं, जिन सामाजिक लोगों ने सामाजिक सौहार्द और समरसता का भाव लेकर इस कार्यक्रम को पूर्ण बनाने में जिन्होंने सहयोग किया है, मैं तहे दिल से दिव्याश्मन फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद देती हूँ। निर्मल चौधरी, दिव्याश्मन फाउंडेशन, अखिल भारतीय नारी उत्थान सहयोग। जय श्री राम। आज हमारे इधर 2100 कन्याओं का पूजन था। सारे बड़ों ने 2100 कन्याओं, इससे अधिक कन्याओं का पूजा करी और उनको पूजन करवाया, उनको सम्मान दिया एवं हमारे समाज में एक बात जागृत हुई कि हर एक कन्याओं का सम्मान का अधिकार होता है, इसलिए ये एक आयोजन करा गया। क्या संदेश देना चाहते हो आगे आप? हमें ये संदेश देना है कि सारी कन्याएं समान है, हमें सबको सम्मान देना चाहिए एवं सबको अच्छे से पेश आना चाहिए। किसी के लिए हमको है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, सबके हमको है ना अच्छे से आदर करना चाहिए, उनको अच्छे से है ना सम्मान देना चाहिए। आपका नाम बताओ। जय श्री राम। मैं पलक वैष्णव, एक दुर्गा महीने की एक कार्यकर्ता। सामूहिक कन्या पूजन का कार्यक्रम 2100 कन्याओं का रखा है और 234 भैरव इनका जोड़ों सहित किया है। 2100 कन्याओं का तो हमने सोचा था, उससे भी ज़्यादा वो मिला है हमें और 2100 कन्याओं से ज़्यादा हुई है, लगभग 2500 कन्याओं के हुई है। और ये इसलिए रखा कि आज जो इसके तीन कारण हैं, एक तो सुरक्षा बच्चियों की, तो बच्चियों की सुरक्षा के लिए एक समाज के अंदर ये संदेश जाए कि ये देवी का स्वरूप है और इनके अंदर भी संस्कार आए कि हम देवी हैं तो हम देवी जैसे कृत्य करें, है ना। और तीसरी चीज़ सामाजिक समरसता, कि जिस प्रकार दूध के अंदर शक्कर घुल जाती है, उसी प्रकार सनातन के अंदर अनेक पद संप्रदाय जातियां हैं लेकिन सनातन एक है, हम एक हैं, उसके लिए ये कार्यक्रम किया है सामाजिक समरसता का। और भव्य कार्यक्रम करना था और पुष्कर वासियों की, सब स्कूल वालों की, इनकी सबकी मेहनत और सब लोगों की, कार्यकर्ताओं की थी, उससे भव्य कार्यक्रम हुआ है सर। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को, सब स्कूलों को, सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। आपका नाम बताओ। विष्णु शर्मा, दिव्यांशपुर फाउंडेशन प्रदेश प्रभारी।